फास्टैग क्या है, यह फास्टैग कैसे काम करता है, किस तरह से फंक्शन करता है यह फास्टैग, और कार में कहाँ लगाना चाहिए, बहुत सी सावधानियाँ जरूरी हैं फास्टैग का इस्तेमाल करते समय, उन पर भी बात करते हैं। यानी फास्टैग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह, इसी जगह। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। फास्टैग में एक ऐसा नियम है जो आपको फायदा करा सकता है, ध्यान से समझे। वह नियम यह है, अगर एनी कंडीशन फास्टैग मशीन किसी लेन में काम नहीं कर रही है और किसी हालत वश वह मशीन एक दो मिनट आपके रुकने के बाद भी आपके कार को डिटेक्ट नहीं कर पाती है, आपके कार के फास्टैग मशीन मतलब इसमें पैसे होने के बाद भी, तो टोल प्लाजा को आपको फ्री में पास देना पड़ेगा और उसकी एक जीरो अमाउंट की रसीद भी आपको देनी पड़ेगी। यानी बगैर पैसे का आपका काम बन जाता है अगर टोल प्लाजा की फास्टैग मशीन खराब हो जाती है। तो ऊपर वाले से दुआ मनाइए कि उनकी मशीनें खराब रहें और आपके पैसे बचते रहें। यह तो हो गया एक मजाक का नोट, लेकिन सच बात यह है कि उनके खराब होने से आपका फायदा है, तो उनको अपनी मशीनों को अपडेट रखना जरूरी हो जाएगा और यही तो आपको चाहिए ताकि आपका कम से कम ट्रैवल टाइम लगे और फ्यूल भी तो बचता है। जब आप लाइन में खड़े रहते हैं, अननेसेसरी का हॉर्न दिया करते हैं, तो फ्यूल बचना भी फायदे का सौदा है। फास्टैग से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर फेसबुक पर इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दें ताकि वह इस वीडियो से बहुत लाभ उठा सके, क्योंकि हिंदी में अवेलेबल कुछ वीडियो में यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए काम का होगा जो एक कार के ऑनर है। तो फास्टैग अपनाइए, थोड़ा फायदे का सौदा रहेगा, मगर सावधानियां पर गौर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उन तीन काम की सावधानियों पर। हाँ, ये फास्टैग ही है जो मैं हाथ में लिए घूम रहा हूँ। वजह यह है कि मेरी ऑलरेडी फैमिली की चार कार में से दो में तो पहले ही यूज हो रहा था, एक में मुझे अभी हाईवे पे जाना पड़ा तो मुझे फास्टैग लेना पड़ा। और फास्टैग लेने का प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो बहुत सिंपल है, किसी भी टोल प्लाजा पे चले जाइए, वहाँ खरीद सकते हैं, अपने नियरेस्ट बैंक जो कि लगभग 23 ब्रांचेज हैं उनमें खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप अमेजन पेटीएम से भी खरीद सकते हैं और बड़ा आसान है इनको परचेज करना। पर थोड़ा सा प्रोसेस को समझते हैं, हमें चाहिए क्या, कार की आरसी की एक कॉपी, पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा एक आपकी अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिए पड़ेगी अपने कार के लिए एक फास्टैग बनवाने के लिए। इनको लेके चले जाइए किसी भी टोल प्लाजा पे या किसी बैंक में और वहाँ बताइए कि हमें अपनी कार के लिए फास्टैग चाहिए, वो आपको दे देंगे। फास्टैग की कीमत तो 100 रुपये है, लेकिन लगभग 200 से लेकर 300 रुपये लोग सिक्योरिटी ले रहे हैं बैंक वाले, और यह बैंक ICICI बैंक का कार्ड है और मैंने इसे टोल प्लाजा से बनवाया है, यानी बैंकों ने टोल प्लाजा में कॉन्टैक्ट कर रखा है और यह कार्ड मुझे वहाँ मिला है। इस पर मुझे अमाउंट मिले हैं 200 रुपये, 200 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट हुई है और 100 रुपीज़ इस कार्ड की कीमत है, यानी टोटल हमें 500 रुपये खर्च करने पड़े हैं। वहीं अगर आप इसे पेटीएम से लेते हैं तो शायद कीमत 400 रुपये के आसपास है और उसका वाइब्रेशन आपको साइड में दिख जाएगा। ये तो हुई बात कि फास्टैग कैसे आप खरीद सकते हैं, अब बात करते हैं फास्टैग से जुड़ी हुई सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है आपको। एंगल बदल ले कैमरे का। फास्ट जब भी आप खरीदें तो कार के ऐसी जगह पर इसे फिट करें जहां से कार के RFID के सिग्नल, RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जो कि इसका एक्चुअल नाम है, उसके सिग्नल टोल प्लाजा में लगी हुई मशीन जो कि इसका रडार होता है वह आसानी से कैच कर सके, ऐसी जगह पर पोजिशन करें और उसे बिल्कुल सीधा लगाएं, यानी यह हिस्सा कार के भीतर रहेगा, कार के बाहर नहीं। और दूसरी गलती बिल्कुल ना करें, इसे कार के बाहर मतलब ऊपर से पेस्ट ना करें, शीशे के भीतर से लगाएं जिससे यह कार के भीतर सुरक्षित रहे। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात, इस कार के RFID कोड यानी फास्टैग को बार बार निकालें, बार बार चिपकाए नहीं, इससे यह मुड़ने के बाद ख़राब हो जाता है और फिर वह प्रॉपर
असर नहीं कर पाता, यानी RFID रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और आपके इसमें पैसे होने के बावजूद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और अननेसेसरी डबल टोल टैक्स आपको पे करना पड़ जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी सावधानी जो आपको बरतनी है इस कार में लगने के बाद टोल प्लाजा पर पहुंचते समय। टोल प्लाजा पर होता क्या है, आप एक कार खड़ी होती है विंडो पर, दूसरी कार बिल्कुल चिपक के पीछे से लग जाती है। उस कंडीशन में गलती क्या होती है कि इस कार का, पीछे वाली कार का RFID टैग तो उसके सेंसर ने कैच किया और पैसे डिटेक्ट कर दिए और गेट खुला आगे वाली कार का, यानी उस आगे वाली कार को जाना अलाउ कर दिया गया और आपके RFID यानी फास्ट टैग से पैसे कट गए और आपको उसका फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए जरूरी है कि आपकी कार सामने वाली कार से लगभग 4 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी हो, यानी इस कार से उस कार के बीच में कम से कम एक कार का और फासला होना चाहिए ताकि गलती से भी इस कार के पैसे कट ना जाए और वह कार मस्ती में आगे निकल जाए बगैर पैसे दिए। बाद में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, उस टोल वाले से झगड़ा करना है, डिशुम डिशुम डिशुम। एक्चुअल में कोई फायदा नहीं, आपको डबल टोल पे करना पड़ेगा या दोबारा फास्टैग से पैसे कट करवाने पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं काम की कुछ 3 बातों की तरफ। फास्टैग का आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ फास्टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी टोल्स पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हाल में मैंने कई टोल्स पर इनका इस्तेमाल किया है और पिछले कई महीनों से अपनी दूसरी कार में इस फास्टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आई, सिवाय एक आध बार हुआ यह कि उनकी मशीनों ने इस फास्टैग को रीड नहीं कर पाया। जरूरत की चीज कहां कहां आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे पार्किंग लॉट्स में फास्टैग को सपोर्ट किया जाता है, यानी आप पार्किंग में जाते हैं तो आपको पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, फास्टैग आपकी कार को एक्सेस दे देगा। लेकिन लौटते समय आपको कैसे उसकी रिसिप्ट और बाकी बेनिफिट मिलेंगे इसके बारे में कुछ असमंजस हैं। अधिकतर पार्किंग पर आपको एक टोकन स्लिप दे दी जाती है, कुछ टोल प्लाजा में भी जहां एंट्री एग्जिट का सिस्टम है वहां भी आपको एक छोटी सी टोकन स्लिप दे दी जाती है। मैंने भी उसका इस्तेमाल किया है कुछ हाईवेज पर, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर मैंने ये पाया है कि फास्टैग का असली इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टोल के लिए ज़्यादा हो रहा है, बाकी जगहों पर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पर हो सकता है। फास्टैग को रिचार्ज कैसे करें, रिचार्ज करने के लिए आप किसी भी UPI बेस्ड ऐप से अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। जिस बैंक से आपने इसको परचेज किया है उस बैंक के UPI सिस्टम से आप इसे यूज कर सकते हैं, वह ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे आपने पेटीएम से लिया है तो पेटीएम से इसे रिचार्ज कर सकते हैं, बैंक से लिया इसे मैंने ICICI से तो आप उस बैंक से रिचार्ज कर सकते हैं। जो भी बैंक हो, 23 बैंकों की लंबाई है, बड़ी मतलब बहुत लंबी रेंज है, कहीं से भी आप ले सकते हैं, बहुत झंझट की बात नहीं है। लेकिन यह सच है कि 1 दिसंबर के बाद जिन पर यह फास्टैग नहीं होगा उनसे डबल टैक्स वसूला जाएगा, जो मेरे हिसाब से आपके पैसे काफ़ी बचा सकेगा। हाँ, ये तो रहे वो 3 सावधानियाँ और 3 बड़े रीजन कि आपको फास्टैग क्यों खरीदना चाहिए। हाँ, ये फास्टैग ऐसे, और जब इसको लगा लें अपनी कार में उसके बाद इसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कार सर्विस के लिए देते हैं तो पहले इसकी फ़ोटो खींच के रख लें, मतलब कार में लगे हुए, ताकि सर्विस सेंटर वाला इसे निकाल के अपने रीयूज करने की कोशिश ना करे, ताकि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि अब तो आपका बटुआ भी इसी के भीतर आ गया है। और इसे मैक्सिमम अमाउंट से रिचार्ज करने की कोशिश करें, वो 50, 100, 200 नहीं, इसे हमेशा कोशिश करें 500, 1000 रुपये से रिचार्ज करें, ताकि यह आपके लिए हैसल फ्री बन जाए। अगर आपको कभी कभी टोल पे निकलना पड़ता है तो एक बार में 1000 रुपये से रिचार्ज कीजिए जाने से पहले, और जब तक आपके लौट के आएंगे कुछ पैसे बच जाते हैं तो अच्छी बात है। और मेरी तरह 2000 रुपये टोल पे करना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते, दो तीन बार रिचार्ज कराइए या बड़े अमाउंट से रिचार्ज करा लीजिए, जैसे कि मैंने किया था। 500 रुपये खरीदने के बाद मैंने इसे 2000 रुपये से रिचार्ज कराया था, अब इसमें हार्डली 200-300 रुपये बचे हैं।
हाँ उसे आप अपने ऐप पे देख सकते हैं कि कितना अमाउंट बचा है अगर आपने जिससे भी ऐप परचेज किए ई स्टेटमेंट के थ्रू। एक और बड़ी दिक्कत का सामना जो मैंने किया हुआ ये था कि SMS अलर्ट। मेरा बैंक ICICI बैंक मुझे जब भी आप टोल प्लाजा से पार करते हैं तो कितने अमाउंट कटे उसका एक SMS भेजता है मेरे मोबाइल पर, लेकिन दिक्कत क्या आती है वह ये कि ये SMS मुझे लगभग 4 से 10 मिनट के बाद रिसीव होता है। यानी टोल प्लाजा पे क्या अमाउंट डिडक्ट हो गया यह आपको 10 मिनट बाद पता चलता है, और 10 मिनट के भीतर आप ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर की जर्नी कवर कर चुके होते हैं, यानी टोल प्लाजा 12 किलोमीटर पीछे छूट चुका होता है। अब आप झगड़ा करने वापस एक्चुअल में नहीं जाओगे, वहाँ पर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। आगे फ्यूचर में हो सकता है यह टाइम कम हो जाए और आपके लिए सहूलियत भरा हो जाए, फिलहाल तो अभी यही स्टेटस है। फास्टैग काम की चीज़ है, ज़्यादा पेनल्टी पे करना ना पड़े, ज़्यादा टोल टैक्स ना देना पड़े, इसलिए फास्टैग पे शिफ्ट हो जाना आपके लिए भी फायदे का सौदा है। ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक का बटन दबाइए। मेरी मेहनत इग्नोर मत कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगता है मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़ रिव्यूज़ आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में बात किया करता हूँ। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल पुश करना ना भूलिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क का गुरु।